यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। हरियाणा में 2019 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अभी से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस पार्टी अब खुलकर आमने सामने आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही बड़ी पार्टियों में अब अंदरूनी कलह भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस में एक के बाद एक पांच सीएम उम्मीदवार बनते अब नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हर उम्मीदवार के समर्थक भी अब आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी जीतेगी चुनाव, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, दोनों पार्टी तैयारियां कर रही है, और जनता क्या ये सब नहीं देख रही जो आपसी कलेशन का चल रहा है या जो गुटबाजी है वो जनता भी देख रही है। तो कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह का ये आलम है कि खबरें अभी तक के स्टूडियो में कांग्रेस के हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थक साफ तौर पर भिड़ते नजर आए हैं, और हम आपको अब एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें आप भी खुद ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंदाज अब ये हो जाएगा किस तरह कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर गुटबाजी हो रही है। दिंगड़ा जी को मैं क्लियर कर देता हूं, ऐसे आधार तय नहीं होता कांग्रेस में। बहुत से लोगों को कांग्रेस ने ऐसे बार किया है, बंसीलाल को कांग्रेस ने बार किया, भजनलाल को कांग्रेस ने बार किया, वाई राजशेखर रेड्डी को कांग्रेस ने बार किया, ऐसे 25 लोगों को बार किया है। अगर इस तरह आधार दिखाएंगे तो कल भूपेंद्र हुड्डा को भी बार कर देंगे हम, ऐसा नहीं बार कर देंगे। आप नहीं बार कर रहे हो कांग्रेस को, कांग्रेस आप कांग्रेस ऐसे बाहर मत करो, शक्ति दिखा रहे हो कांग्रेस को। आपने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, चौधरी भजनलाल जी का नाम लिया, चौधरी बंसीलाल का नाम लिया, चौधरी राजशेखर रेड्डी का नाम लिया, शर्मा को किसने परमिट किया है? आप गलत कह रही है, तो देखा आपने कैसे अशोक तंवर के समर्थक सीधे तौर पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए दिखे हैं। स्टूडियो में ये आलम रहा। बहरहाल, देश की आवाज में हमारे आज के सवाल आपके सामने लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, जिस पर आपकी राय जानेंगे। तो कांग्रेस में ये गुटबाजी जो हो रही है आखिर कितनी सही है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में ये आलम है, क्या ऐसे ही कांग्रेस 2019 के चुनाव जीतेगी, क्या यही रणनीति है उनकी, बीजेपी को कांग्रेस के अंदरूनी कलह से कितना फायदा होगा, क्या हुड्डा अपनी हदें पार कर रहे हैं, तमाम सवाल आपके सामने हैं। बाल मुकुंद शर्मा के इस बयान पर पार्टी अब क्या संज्ञान लेगी, क्योंकि इतना बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, आपने खुद सुना, क्या इससे पार्टी में गुटबाजी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये तमाम सवाल हैं। आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, खबरें अभी तक के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो ये जो गुटबाजी हो रही है, आपसी कलह हो रही है कांग्रेस के बीच में, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्या हुड्डा अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं, क्या अशोक तंवर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, हुड्डा अपनी हदें पार कर रहे हैं, तमाम सवाल हैं आपके सामने, अपनी राय दीजिए, हमें फोन कीजिए, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है। पहले कॉलर हिसार से मोहन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए मोहन। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है देश की आवाज ना जी, तो लग रहा है अब जो ये हरियाणा में जो कांग्रेस के साथ साथ प्रवक्ता है साथ साथ नेता अपने बावजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लग रहा है इनकी जो आवाज है अब हरियाणा से ही नहीं, अब पूरे देश से मिट जाएगी, जिस तरह से ये डिबेट कर रहे हैं टीवी स्टूडियो में आके जी। ठीक है मैम, और ये मैम इनको अपने बावजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इनको जनता के हितों का नहीं है पता, ये विपक्ष का फिर ये सरकार का क्या सामना करेंगे ये है, ये खुद आपस में लड़ रहे हैं जैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, बताओ आप है। तो सूजे वाला कुछ लग बात बोल रहे हैं, अजय कैप्टन अजय यादव बोलते हैं लग धड़ा है, शैलजा बोल रही है मैं मुख्यमंत्री बनेगी, तो बनेगा कौन है, तो ये तो बिल्कुल ही नाकाम है। अब हम तो चाह रहे हैं कि ये जो है मोदी जी का ये सपना पूर्ण होने वाला है, लग रहा है ये अब ये दोबारा भाजपा सरकार आने वाली है, लग रहा है ये जिस तरह से ये लड़ाई कर रहे हैं,
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं फोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। लगातार टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा है। अगले कॉलर पानीपत से अमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कहिए अमन। हेलो जी अमन, कहिए। मैडम जी, कल मैंने इनकी डिबेट देखी थी आपके चैनल पर। जी, दो प्रवक्ता बैठे थे, बड़े मानुभाव थे वे दोनों, बड़े अच्छी तरह बड़े विचार रख रहे थे वो अपनी पार्टी के लिए। उनको खुद शर्म आनी चाहिए, ये पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, पार्टी को खत्म कर रहे हैं। इस प्रकार से इनके पांच पांच मुख्यमंत्री, सात सात मुख्यमंत्री के दावेदार है। जी, लगता है मोदी का ये सपना जरूर पूरा होगा कि मैं इस देश से कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। जी, इन्होंने खुद सोचना चाहिए, जनता की तो ये आवाज उठाते नहीं, ये अपनी मुख्यमंत्री के सपने लेकर ये बहस करते हैं। तो जनता की आवाज को नहीं उठाया जा रहा है, अपने लिए ही लड़ाई लड़ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हिमाचल से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, प्रेमलाल, कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, प्रेमलाल जी, कहिए। मैंने इस चैनल के ऊपर दोनों नेताओं की लड़ाई सुनी, जो कि कांग्रेस के दोनों नेता हैं, और इनको शर्म नहीं आ रही है कि पूरे देश से इनका नाम जो मिट रहा है, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के जो बेसिकली जो काम किए हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, इसके बारे में कोई बात नहीं करते, सिर्फ इनको अपने और लिख पड़ी है। तो क्यों इनको, इन नेताओं को शर्म नहीं है, क्यों इस कांग्रेस को पूरा देश से खत्म कर रहे हैं ये, जो असली मुद्दे हैं इनको नहीं उठा रहे, जनता के बीच में सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको अब तक शर्म नहीं है जी। तो जनता सब देख रही है कि क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर शमशेर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया, लोग जी जो आप बता रहे हैं इसकी, इसके बारे में सबको जानते हैं, लेकिन आपने भी ये लोगों को जानकारी दे दी। कांग्रेस का तो इतना भट्ठा बैठ गया, इतनी फूट है इसके अंदर, अगर इनको विरोधी लोकदल या बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। हुड्डा साहब ने हरियाणा को 21 जिले थे, हरियाणा का मानचित्र ही बदल दिया, रोहतक, सोनीपत, जज्जर, उन्होंने तीन दिनों से ज्यादा हरियाणा को बाहर समझाया नहीं। हरियाणा भी भाई भिवानी जिला, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, कोई और भी जिला है क्या, इनमें इतनी क्षेत्रवाद है, इनकी इतनी सिर फुटोल हो रही है, अगर इनको दुश्मन की जरूरत नहीं है, बीजेपी की जरूरत नहीं है, मोदी एक तरफा जीतेंगे इन्हीं के फायदे से। ये कांग्रेसी को हराने का काम करता है, बिल्कुल कांग्रेसी को हराने का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जनता सब कुछ देख रही है, आपसी कलह से बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। इसी के साथ अगले कॉलर करनाल से पवन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए पवन। हाँ जी मैडम, ये मैं आपका आज ये प्रोग्राम देख रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा आपने ये टॉपिक लिया है जी, शुक्रिया। आपको ये बताना चाहूंगा मैडम, कांग्रेस का जो मेन हारने का कारण खुद कांग्रेस है ही जी। आप पंजाब में देख लो, कैप्टन है, जाखड़ है, भट्टल है, अपनी राजनीति करते हैं। वैसे ही हरियाणा में देखो, तंवर है, हुड्डा है, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, ये अपनी राजनीति करते हैं। और सोनिया गांधी जी ने पुत्र मोह में सारी कांग्रेस का ही सत्यानाश कर दिया है जी। ऐसा नहीं है भी कांग्रेस के पास काबिल लीडर नहीं है, कांग्रेस एकजुट नहीं है, एक मंच पे नहीं है, तो यही कांग्रेस के पतन का कारण है, जो भीतरघात होती है जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तब जाके पार्टी को दूसरी पार्टी से गठबंधन करके अपनी सरकार बनानी पड़ती है। अगर कांग्रेस को अपनी होन बचानी है तो उसको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो गुटबाजी आपस में की जा रही है, और इसी से कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा और बीजेपी को भी इसका फायदा मिल सकता है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ये नारा है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस आने वाले चुनावों को देखते हुए अभी से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस के बीच में आपसी गुटबाजी नजर आ रही है, आपसी कलह नजर आ रही है। सवाल लगातार आपके सामने है, आपकी राय हम जान रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, और आप जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आप इस मुद्दे को देखते हुए क्या कुछ सोचते हैं। अगले कॉलर नरेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। हाँ जी। जी सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। यदि कांग्रेस की बीजेपी जी जी
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस में ये जो गुटबाजी हो रही है कितनी सही है, आप अपनी राय इस पर हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या इस तरीके से कांग्रेस 2019 के चुनाव को जीतेगी, क्योंकि आने वाले चुनावों को देखते हुए हर कोई अपनी सीएम उम्मीदवारी का दम यहां पर भरता नजर आ रहा है। 5 सीएम उम्मीदवार यहां पर सामने आ रहे हैं और उनके समर्थक ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी अब साफ साफ देखी जा सकती है, तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और क्या इससे पार्टी में गुटबाजी और नहीं बढ़ेगी? अगले कॉलर अमर बंसल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए जी अमर। हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ मैम कि जब से हमारे अशोक तंवर जी यहाँ के कांग्रेस के प्रधान बने हैं जी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही से आते हैं, इन्होंने कांग्रेस का बट्टा बिठा दिया। और आप जब ये बात कह रहे थे ना कि भी अगर कांग्रेस की गुटबाजी से किसको फायदा होगा, तो मैं बिल्कुल नहीं समझता बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा के अंदर मेरे हिसाब से एक डूबता हुआ जहाज है जी। इस सरकार ने आम आदमी को रुला, खून के आंसू रुला दिए हैं, आम आदमी की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में इनका नारा था कि इंडिया साइनिंग, इंडिया तो साइन नहीं हुआ, अदरवाइज बीजेपी साइन हो गई, बीजेपी देश से चली गई 10 साल के लिए। और मुझे ये लगता है कि जो अच्छे दिन है ना, ये इस सरकार पे बहुत भारी, आम आदमी इस सरकार को बहुत अच्छे दिन दिखाने वाला है। और इससे बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, इनका कहना था कि बीजेपी ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, हर क्षेत्र दुखी है, लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ रही है उसे भी जनता देख रही है। अगले कॉलर प्रहलाद सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैडम जी इस गुटबाजी के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। तो कभी हम जब पढ़ाई करते तो हमें एक मैडम कहानी सुनाया करती थी कि दो बंदर एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं और बिल्ली आती है जी, वो उस तकनी से तोल तोल के फैसला करती है, उन दोनों को बंदर भूखे रह जाते हैं और बिल्ली सारी रोटी खा जाती है। तो अगर स्थिति देखें तो आज की तारीख में कांग्रेस का यही हाल है। सबसे पहले तो इसमें गुटदली इतनी होगी कि हर रोज एक नेता मुख्यमंत्री का दावेदार बनता है जी। और अभी इसमें जो भी पुराने विधायक जो विदेश से हमारी गांव चौटाला से 31 तारीख को अशोक तंवर जी एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, तो और इसी यात्रा के विरोध में देखो हमारे ही गांव से कांग्रेस की वाली ब्लॉक टिकट के लिए 2 बार इलेक्शन लड़ चुके डॉक्टर केवी सिंह जी इनके विरोध में है, उन्हीं के गांव से यात्रा शुरू करें वो इनके विरोध में, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस का विरोध कांग्रेस को ही ले डूबेगा। और इसका फायदा तो खास करके शायद इन लोगों को मिलेगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फायदा किसे मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो आपसी कलह या फिर जो गुटबाजी कांग्रेस में फिलहाल हो रही है वो जनता भी देख रही है। अगर बीजेपी के जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, लेकिन ये जो लड़ाई फिलहाल कांग्रेस पार्टी के बीच में अंतर कलह देखने को मिल रही है वो भी जनता के सामने ही है, तो क्या इससे पार्टी में और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी, क्या अशोक तंवर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? तमाम सवाल आपके सामने हैं, आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि हुड्डा अपनी हदें पार कर रहे हैं? बीजेपी को कांग्रेस के अंदरूनी कलह से कितना फायदा मिल सकता है? कांग्रेस में ये जो गुटबाजी हो रही है आखिर कितनी सही है? और इस तरीके से, क्योंकि 2019 के चुनावों को लेकर दोनों पार्टियां अभी से जीत की तैयारी में लगी हैं, तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही हैं, क्या इस तरीके से चुनाव जीता जाएगा? तो कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बाल मुकुंद शर्मा का ये जो बयान था, क्या पार्टी इस पर संज्ञान लेगी, क्या आपको लगता है, और इससे पार्टी में गुटबाजी क्या और बढ़ेगी, और ये जो गुटबाजी हो रही है पार्टी में, ये जो अंतर कलह सामने आ रही है ये कितना सही है? तो देश की आवाज में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और क्या उनका मानना है वो हमें बता रहे हैं। अगले कॉलर चरखी दादरी से भागमल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए जी। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी आ रही है, हाँ जी आवाज क्लियर आ रही है। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, कहिए भागमल जी। हाँ जी नमस्कार जी मैडम।
दादरी से बोल रहा हूँ जी। जी भागमल जी, आपसे गुजारिश है कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें ताकि आपकी आवाज सभी दर्शकों तक पहुंच पाए। आज ये कांग्रेस में अपना असली चेहरा है ना ये दिखा रही है, बहुत लंबे समय से दिखा रही है, इसी का फायदा है वो बीजेपी ने उठाया है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो चेहरा जो सामने आ रहा है, दर्शक जुड़े, उनका कहना था इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी यही नारा देते हैं कि देश को कांग्रेस मुक्त किया जाएगा। लेकिन अब आपसी गुटबाजी सामने आ रही है। बाल मुकुंद शर्मा का जो बयान सामने आया है, क्या पार्टी इस पर संज्ञान लेगी, क्या इस तरीके से गुटबाजी और बढ़ेगी? लेकिन जो गुटबाजी फिलहाल देखने को मिल रही है कितनी सही है, आप जुड़िए, कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। क्या अशोक तंवर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? और हुड्डा क्या अपनी हदें पार कर रहे हैं? अगले कॉलर करनाल से विकास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए विकास। हेलो जी। हेलो जी विकास, कहिए क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारी सरकार जो है बीजेपी वाली और ये हरियाणा में अंदर जो आने वाली है जी, लेकिन कांग्रेस आएगी कैसे ये समझ नहीं आ रहा मुझे। आपसी कलह इनका खत्म होने, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं आ सकती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जब तक आपसी कलह कलेश नहीं मिटेगा, क्योंकि जिस तरीके से अपनी दावेदारी यहां पर 5 लोग करते नजर आ रहे हैं सीएम पद के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस हरियाणा में आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। दोनों पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन गुटबाजी जो सामने आ रही है वो कितनी सही है कांग्रेस की, क्योंकि आपस में ही समर्थक अब भिड़ते नजर आ रहे हैं। खबरें अभी तक पर हमने आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाया है। तो जनता का क्या कुछ सोचना है, आप जुड़ सकते हैं, कॉल कीजिए, अपनी राय पहुंचाइए हम तक। अगले कॉलर जींद से सतबीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए सतबीर। अभी मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जितने कांग्रेस के दावेदार हो रहे हैं ना मुख्यमंत्री के जी, इनमें से एक गाय ऐसा है जो 16-17 एमएलए जता सकता है, बाकी तो आप अपनी सीट मुफ्त से निकाल सकते हैं। इन मोहरा में कोई पावर नहीं है, आप अपनी सीट मुफ्त से निकालेंगे? हुड्डा साहब एक ऐसे है जो मतलब 15-16 सीट तो आराम से निकाल देते हैं जी। हाँ, ये दावेदार वैसे काफी हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बाल मुकुंद शर्मा का ये जो बयान सामने आया है, जो खबरें अभी तक पर भी वो कहते नजर आए हैं, क्या उस पर संज्ञान लिया जाएगा, ये भी सवाल उठता है। अगले कॉलर दिल्ली से प्रेम सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किया है जी, अब तक किसी भी कांग्रेस के नेता ने या किसी दूसरी पार्टी के नेता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही डिजर्व करते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी की कमांड दी जाए। अगर उनको कमांड दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी पावर में आ सकती है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दर्शक जुड़ रहे हैं, अलग अलग जो उनकी राय है वो बता रहे हैं कि उनका क्या कुछ सोचना है। दोनों पार्टियों को लेकर वो अपनी राय दे रहे हैं और गुटबाजी को लेकर भी जो उनका सोचना है वो हमें बता रहे हैं। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए और बताइए कि आपका क्या सोचना है। ये जो पार्टी में गुटबाजी हो रही है कितनी सही है, कैसे गुटबाजी से आपसी कलह से बीजेपी पार्टी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनका भी यही नारा है कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाया जाए। ऐसे में बाल मुकुंद शर्मा का ये जो बयान है, क्या इस पर पार्टी संज्ञान लेगी? तमाम सवाल हैं आपके सामने, आप भी जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि बड़े बड़े वादे तो दोनों पार्टियों की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो सीएम पद की दावेदारी है उसके लिए जो उनके समर्थक हैं वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अगले कॉलर करनाल से लक्ष्मण दास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है, ये नेता जो है ना, प्रवक्ता जो आकर बैठते हैं, उल जुलूल बोल जाते हैं, ये जनता ने चुनने हैं सरकार, ना कि इन नेताओं ने जी। ये जनता तय करेगी किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है जी। ये नेता तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हर पार्टी के अंदर कोई कुछ बोल जाता है कोई कुछ बोल जाता है। जब जनता मूड जिधर बनाती है ना, वही सरकार बनती है। बिल्कुल, जनता जो चाहेगी वही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर नायब सिंह कैथल से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कहिए। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार। हरियाणा के अंदर
जब 1961 में हरियाणा अलग हुआ तो बंसीलाल ने काम किया था और उसके बाद हुड्डा जी ने काम किया। अगर पंजाब का लेवल पे कैप्टन की तरह फुल मुख्तियार बनाया जाए तो हुड्डा जी मुख्यमंत्री को कोई रोक नहीं सकता, नहीं तो चटेला बाजी मारेगा। और सबसे बड़ा यह आप ही, मेरी आपसे परसों भी बात हुई थी, कोई भी राजनेता मुद्दा उठाए, कोई भी पॉलिटिक्स कुछ भी बोले तो इलेक्शन के दौरान 19 में मेरी चुनाव योग से आपके माध्यम से प्रार्थना है, कोई भी वादा जो करते हैं वो उसको रजिस्टर्ड कराया जाए और उसकी कॉपी अरे के चैनल पे मौजूद होनी चाहिए भी कल ना ये मुकर ना जाए, अगर मुकर गया उसकी संस्था रद्द करी जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, राजेश कहिए क्या कहेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं इसे गुटबंदी के बारे में कहना चाह रहा था, अभी आने वाले विधानसभा में कांग्रेस का ये होगा कि इसके जो 90 के 90 कैंडिडेट होंगे वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे। तो ऐसे दावेदारी से बीजेपी या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस मुक्त नारा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से मुक्त अपने आप ही हो जाएगा जी। तो जिसकी गुटबंदी हर रोज एक नया मुख्यमंत्री इसमें निकल के आता है, अभी तक तो जब तक चुनाव आएंगे मेरे हिसाब से 90 के 90 जो कैंडिडेट होंगे एमएलए वो भी सभी पीएम के दावेदार होंगे। तो इससे अगर पार्टी ने बड़ा संज्ञान नहीं लिया तो मोदी जी जो नारा दे रहे हैं वो कांग्रेस पे बिल्कुल लागू हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं खबरें अभी तक पर, और क्या कुछ उनकी राय है, उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई है। तो आज के सवाल आपके सामने थे और जिस तरीके से आपने सुना, दर्शकों ने भी अपनी राय दी है, किस तरीके से जो गुटबाजी नजर आ रही है, बाल मुकुंद शर्मा का जो बयान है, क्या पार्टी इस पर संज्ञान लेगी, और कई सवाल ऐसे में सामने आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी दोनों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी जो गुटबाजी नजर आ रही है कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है, उनका नारा है कि देश को कांग्रेस मुक्त किया जाएगा, और ऐसे में आपसी गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। चलिए देश की आवाज में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते रुक करेंगे वेदर रिपोर्ट का।